हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने एक वेब सीरीज खत्म किया अमेजन प्राइम में जिसका नाम है अधूरा। और ये वेब सीरीज कैसी थी और आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं, ये जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अधूरा वेब सीरीज का स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है कि एक स्कूल रहता है, उसका डीन का मौत हो जाता है और उसका 3 महीना पहले एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और उस बच्चे का अंदर माना जाता है कि वो डीन का आत्मा आ गया है। और फिर 15 साल पहले का जो स्कूल का वो बैच था, जो 12th पास करके निकल गए थे, वो 15 साल का पहले का बैच फिर से रियूनियन करते हैं, स्कूल में आते हैं 15 साल बाद। वो जितना स्टूडेंट्स रहते हैं सबको स्कूल में मिलते हैं, रियूनियन पार्टी कर रहे होते हैं। और उसके बाद देखा जाता है वो बच्चा का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो रियूनियन करने के लिए जो लोग आए रहते हैं 15 साल बाद, उन लोगों का कैसे भी करके एक अजीब तरीके से मौत होना स्टार्ट हो जाती है। और आगे जानने के लिए बाकी आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी कि इसकी ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है और या फिर इसका आत्मा जो बच्चे के अंदर है वो किसकी आत्मा है, वो जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। लगभग 7 एपिसोड्स है अधूरा में और जो 40 to 50 मिनट्स सारा एपिसोड ऐसे ही चलता है। जैसे कि एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है तो हाँ, कहीं कहीं पे आपको डर तो जरूर लगेगा। बाकी जो हॉरर को एक अच्छे से सजा कर पब्लिक के सामने रखना, ये चीज ये वेब सीरीज में 100% हुआ है। और हाँ, पहले जैसे कुछ कुछ हॉरर मूवीज अभी निकले थे, जैसे कि 1920 जो अभी एक हॉरर वाला मूवी निकला था कुछ दिन पहले, वो बहुत ही घटिया था, मतलब उसमें कुछ हॉरर का कुछ था ही नहीं। लेकिन अधूरा में ऐसा कुछ नहीं है। अधूरा मूवी जो अधूरा वेब सीरीज है वो रियली आपको एक हॉरिफाइंग तो लगेगी और इसका स्टोरी में बहुत ज्यादा था। बाकी आप वेब सीरीज जब देखिएगा तब खुद रियलाइज करिएगा कि ये एक अच्छा स्टोरी कहलाएगा, अच्छा हॉरर मूवी कहलाएगा और बहुत देखने यार एक बार तो मस्ट वॉच है ही। बाकी मैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करूंगा, जो कि इस हॉरर वेब सीरीज का मेन चीज जो हॉरर दिखाया गया है वो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डरावना होगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। और बाकी जैसे कि इसमें 7 एपिसोड्स है मैंने कहा, लेकिन 3 एपिसोड्स के बाद ही आप आराम से गेस कर ले पाइएगा कि ये आत्मा किसका है। और क्लाइमेक्स तक जाते जाते क्या दिखाया जाएगा वो भी आप आराम से जज कर सकते हैं, आराम से आप प्रिडिक्ट कर लीजिएगा। तो स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है और अच्छा कर सकता था, जैसे क्लाइमेक्स तक कुछ समझ में नहीं आया सस्पेंस देकर, तो ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। 3 एपिसोड्स तक आप जाइएगा, उसके बाद आपको मेनली सारा कुछ पता चल ही जाएगा और लास्ट एपिसोड तक जाते जाते आपको पता रहेगा कि लास्ट एपिसोड में यही होने वाला है। लेकिन हाँ, जिस तरह स्टोरी को रखा गया, जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, स्टोरी आपको एंगेजिंग जरूर लगेगी, आप बोर नहीं होइएगा देखते वक्त, बस इतना मैं कह सकता हूँ। अभी सारे कैरेक्टर्स का मैं बात करूंगा, सारे ही कैरेक्टर्स ठीक ठाक काम किया है। एक दो एक्टर्स भी मतलब ओवर एक्टिंग करते हुए आपको दिखेगी और वो बच्चे का भी एक्टिंग मैं नहीं बोलूंगा बुरा, अबव एवरेज ही था। बाकी इस वेब सीरीज में इसका म्यूजिक, इसका जो BGM दिया गया है बहुत जबरदस्त है, एकदम हॉरर वाला फीलिंग तो लाएगा ही। बाकी Part 1 में जो स्टोरी दिखाया गया वो स्टोरी एंड हो जाता है और कुछ एक हिंट दिया गया कि Part 2 में स्टार्ट होगा और Part 2 बनेगा बस। लेकिन स्टोरी Part 2 का एकदम अलग होने वाला है, Part 1 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और ये वेब सीरीज पूरा देखने के बाद बस मैं एक ही बात बोलूंगा, अबव एवरेज लगा मुझे और 5 में से इसको मैं 3 स्टार्स दूंगा। बाकी इस चैनल में मैं ऐसे ही वेब सीरीज मूवीज और टीजर का ट्रेलर का रिव्यू देते रहता हूँ, तो अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।